एक और भेड़िया आखिरकार वन विभाग की टीम के गिरफ्त में आ गया है। ये पांचवा आदमखोर भेड़िया था जिसे बड़ी मशक्कत के बाद कब्जे में कर लिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक काफी दिनों से था, जिसको लेकर वन विभाग की टीमें लगातार कोशिश कर रही थी। वन विभाग की ओर से लगातार भेड़ियों को लेकर सर्च ऑपरेशन भी जारी किया जा रहा था। हालांकि अभी भी एक भेड़िया वन विभाग की टीम की गिरफ्त से बाहर है। जुलाई से ही बहराइच के महसी इलाके में भेड़ियों का आतंक काफी बढ़ा हुआ है। भेड़ियों के हमले में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 10 बच्चे और एक महिला शामिल है। 6 भेड़ियों का झुंड बहराइच के लगभग 50 गांव में आतंक मचाए हुए थे। इन भेड़ियों ने गांव के लोगों की नींदें उड़ाई हुई थी। वन विभाग की ओर से लगातार भेड़ियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी किया गया था। इसी दौरान टीम को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। वन विभाग ने पहले ही 4 भेड़ियों को कब्जे में कर लिया था। इसके बाद से ही 2 और भेड़ियों की तलाश चल रही थी। आखिरकार अब पांचवा भेड़िया वन विभाग की गिरफ्त में आ गया है। बचे एक भेड़िये की तलाश के लिए वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। बता दें कि बहराइच जिले के महसी तहसील के भेड़िया प्रभावित क्षेत्र में विभिन्न जगहों से भेड़िया दिखने की झूठी खबरों और तलाश स्थलों पर एकत्र होने वाले लोगों की भीड़ के कारण वन विभाग को भेड़ियों को पकड़ने या उन्हें मार गिराने के प्रयास में बाधा का सामना भी करना पड़ रहा था। भेड़ियों ने जुलाई के मध्य से अब तक 8 लोगों की जान ले ली है और करीबन 20 से अधिक लोगों को घायल कर दिया है। DFO अजीत प्रताप सिंह ने कहा है कि जब जब हम तलाशी अभियान के लिए किसी स्थान पर जाते हैं और पग मार यानी कि पैरों के निशानों के आधार पर तलाशी शुरू करते हैं तो आमजन अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाते हैं। लोगों की भीड़ से अभियान में बाधा आती है और जानवर भाग निकलने की संभावना उसकी तेज हो जाती है। हालांकि बीते 2 दिन से उपद्रवी भेड़िया ड्रोन अथवा स्नैप कैमरों में कहीं नहीं दिख रहा है। इतना नहीं, DFO बताते हैं कि एक और दिक्कत अफवाह से आ रही है। शाम होते होते 10-15 जगहों से कहीं सही 2 भेड़ियों के होने, कहीं से 4 और कहीं से तो 6 भेड़ियों के होने की अफवाह आ जाती है। वास्तव में वहां भेड़िया नहीं होता है। लोग तलाशी अभियान के लिए दबाव बनाने लगते हैं। हालांकि उन्होंने बोला है कि हम निर्णय अपने विवेक के आधार पर ही लेते हैं। DFO ने बताया कि बीते 3-4 दिन में एक बार हमने भेड़ियों को घेर लिया था, लेकिन वो भागने में कामयाब रहा। दूसरी बार उसके बारे में कुछ पता चला, जिसके बाद घेराबंदी पहले से ही कर ली गई। संभवतः वह ड्रोन की आवाज सुनकर भाग निकला। उन्होंने बताया कि भेड़िया प्रभावित क्षेत्र की निगरानी के दौरान 8-9 सितंबर की रात उनकी कई टीमें भेड़िया की स्नैप कैमरे या थर्मल ड्रोन से लोकेशन नहीं खोज पा रही थी। इसके साथ ही गश्त दल को कहीं भी उनके पदचिन्ह भी नहीं दिखाई दिए। DFO ने बताया कि जन जागरूकता टीमों को गांव में पोस्टर और फ्लैक्स बैनर लगाकर संगोष्ठी बैठकों के माध्यम से ग्रामीणों को भेड़िये से बचाव हेतु जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि रात्रि गश्त में टीमों को लोग घरों से बाहर सोते मिले, उन्हें घरों के भीतर दरवाजे बंद करके सोने की हिदायत भी दी गई है। इसके साथ ही DFO ने यह भी बताया कि दूर से ही सियार भी भेड़िये जैसे लगते हैं, लेकिन दूर से ही हम उसकी चाल देखकर व नजदीक आने पर चेहरे पहचान लेते हैं। सियार और भेड़िये के व्यवहार में मूलभूत अंतर ये दिखलाई दिया है कि ड्रोन की आवाज़ से भेड़िया तुरंत भाग निकलता है, वहीं सियार ड्रोन की आवाज़ सुनकर भी चुपचाप पड़ा रहता है। बता दें कि प्रदेश के वन संरक्षक रेणु सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की थी। उन्होंने बताया कि भेड़िये के हमले से कुछ 8 लोगों की मृत्यु हुई है और 20 लोग घायल हुए हैं। नज़र में आए 6 में से 4 भेड़ियों को हम पहले ही पकड़ चुके हैं, लेकिन 29 अगस्त को पकड़े गए अंतिम भेड़िये के बाद से अभी तक कोई भेड़िया हाथ नहीं लगा था। उन्होंने बताया कि वन विभाग के 165 कर्मियों और 18 सूत्रों की मदद से पूरी कोशिश की जा रही और गश्त दिन और रात निगरानी की जा रही थी। 4 थर्मल ड्रोन लगातार उड़ान भर रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिस, वन विभाग व राजस्व की 100 से अधिक टीमें भी भेड़िया को पकड़ने के लिए सक्रिय हैं। हमले से बचने के लिए जागरूक ग्रामीण छत पर लेटने लगे तो भेड़ियों ने भी पैंतरा बदल लिया है। अब वे पेड़ों के सहारे छत पर भी पहुंच रहे हैं। रविवार रात एक भेड़िया हरदी क्षेत्र के ग्राम पंचायत पूरा गांव प्रसाद नई बस्ती निवासी रमेश सिंह की छत पर पहुंच गया था। समय पर परिजनों के जागने के कारण वो हमले में असफल हुआ था। बहरहाल वन विभाग ने 5वें भेड़ियों को पकड़ लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम भेड़िया को यानी कि 6ठे भेड़िया को कब तक वन विभाग पकड़ती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।